सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोमनाथ गेमर वाईटी। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया हो गए? आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, माइनक्राफ्ट एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज एपिसोड में तुम लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मीडियम साइज की एक फार्म बनाने वाला हूँ, जिसका नाम तुमको देख के पता चला होगा, और जिसको पता नहीं चला मैं बता देता हूँ, वो है रेड फार्म। और सामने की तरफ हमारा है प्यारा सा प्लेजर आउटपोस्ट। ये प्यारा ही है क्योंकि ये इसने मेरे को सर्वाइवल एपिसोड 3 में बहुत जला, मतलब बहुत तंग किया था, मुझे हमेशा याद रहेगा। और चलो, फार्म को बनाने के लिए पहले उसके ऊपर जाना पड़ेगा। कोई कोई बंदा बोलता है मेरे को, जो हम फार्म बनाने के लिए जो रिसर्च कलेक्ट करते हो दिखाते नहीं हो, अगर मैं वो दिखाने लग गए तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं ऑफलाइन ग्राइंडिंग करके सारा सामान कलेक्ट करके रख देता हूँ, उसके बाद ही मैं फार्म बनाने के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो मतलब फार्म बनाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर कोई सामान छूट गया तो, इसलिए मैं ऑफलाइन ज़्यादा ही सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, बनाते हैं हमारा रेड फार्म। रेड फार्म बनाने के सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? एम्ब्रेल। रेड फार्म से हमें बिना कुछ के सिर्फ एएफ करके ही बहुत सारा एम्ब्रेल मिल जाते हैं। और अगर मैं विलेजर से ट्रेड करने जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगे सामानों पर एम्ब्रेल देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। अगर मुझे वो जो विलेजर के जॉम्बीफाइड विलेजर बना के क्योर करके अगर मैं एम्ब्रेल लेता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मुझे नेदर जाना पड़ेगा, और नेदर से मुझे सख्त नफरत है, तो इसीलिए मैं उस आइडिया को किस करके ए वाला कर रहा हूँ, मतलब रेड फार्म। और सच कहूँ तो मुझे प्लेजर को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं उस प्लेजर आउटपुट से 100 कार्ड फोल्डिंग लगा के ऊपर आया हूँ, और ऊपर एक ग्लास का टेम्पोरेरी प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके बाद मैं बनाने लग गया हूँ हमारा जो प्लेजर रेड फार्म। चलो गाइस, और मैं लीफ ब्लॉक और ग्लास ब्लॉक का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लेजर की कोई भी हॉस्टाइल मॉब स्पॉन नहीं होते, इसलिए एक एडवांटेज है। अगर मैं एज के करने बैठा हूँ, पीछे से कोई प्लेजर आके धप्पा बोल दे तो वही पर हमारा गेम ख़त्म, इसीलिए मैं सावधानी से ये वाला काम कर रहा हूँ। और सो गाइस, अब मैं इस फार्म की कलेक्टिंग सिस्टम और किलिंग मशीन वो दोनों ही बनाने वाला हूँ। किलिंग मशीन के लिए मैंने सोचा कि ट्राइडेंट किलर बनाया जाए, लेकिन तुम लोगों को पता ही है मुझे अभी तक एक भी ट्राइडेंट नहीं मिला। ट्राइडेंट मतलब वो जो ड्राउन से मिलता है, ड्राउन मतलब ओशियन से मिलता है, अभी तक मेरे को कोई आसपास कोई ओशियन नहीं मिला। हाँ, एक बहुत दूर एक ओशियन है, लेकिन उधर मैं नहीं जाता हूँ, कम से कम 1500-2000 ब्लॉक दूरी पर है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। कल लेकिन कभी जाएंगे तो ओशियन मुनोन लूट करने, उधर ही हम एक मतलब फार्म बना देंगे ट्रेन का। सो गाइस, हमारा जो किलिंग मशीन है जो बन के तैयार हो चुका है, एसी मारेंगे उन लोग मतलब प्लेयर को मारेंगे। आप बनाते हैं फार्म को जल्दी जल्दी बना देते हैं। और तुम लोगों का इस फार्म की पूरे ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं इसकी मतलब लिंक मतलब ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं ये बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, और मेरे को उतना टाइम भी नहीं है कि मैं बनाऊँ, मतलब ये तुम लोगों को बोलूँ और एक एक करके बनाऊँ, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। और सबसे बड़ा इस रेड फार्म की सबसे बड़ा दिक्कत वाले चीज़ है कि इधर विलेजर को लाना, और इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। मुझे लगता है वो अगर मैंने किया तो बहुत ज़्यादा इजी मतलब इजीली इस फार्म में विलेजर लेकर आएंगे। चलो देखते हैं, अभी तक मुझे वो सिर्फ आइडिया ही लग रहा है, अभी जब तक वो नहीं होगा तो कामयाब कैसे मिलेगा ना। चलो जल्दी जल्दी इस फार्म को बनाते हैं। एक कंप्रेसर भी इधर लगा देते हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग करते हैं बारिश। चलो विलेजर को रहने के लिए एक मतलब छोटा सा लीफ ब्लॉक का घर बना दिया, लीफ ब्लॉक का इसलिए क्योंकि कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा। और अब भी विलेजर को इधर लाने के लिए एक ट्रिक है, इधर मैं 2 ब्लॉक लगा के इधर स्कार्फ होल्डिंग प्रेस कर रहा हूँ, जिससे स्कार्फ होल्डिंग पूरा नीचे जाएगा। और मैं बेस पर आया हूँ, और एक
लीड और एक बोट क्रैप किया कर दिया। अब मुझे विलेजर को ले जाना होगा उस ऊपर। तुम लोगों को पता ही होगा विलेजर आउटपोस्ट, मतलब विलेजर आउटपोस्ट के पास एक विलेज है। दस ही मैंने दो विलेजर को लिया और ये वाला वो है जो मैं ऊपर से स्कार्फोल्डिंग लगाया तो नीचे आके इधर उधर सेट हो गया। स्कार्फोल्डिंग बहुत ज़्यादा ही ऑसम चीज़ है गाइस, और मुझे लगता है ऐसे करके इन विलेजर को ऊपर भी ले जा सकता हूँ। मुझे कोई लिफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रेल लाइन बिछाने की ज़रूरत है। स्कार्फोल्डिंग इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ओपी है। शायद विलेजर गाइस लग रहा है मुझे को, मेरे विलेजर को डैमेज लग रही है। एक विलेजर मर गया, दूसरे विलेजर को भी डैमेज लग रहा है गाइस। पता नहीं मैंने क्या गलती की, लेकिन मुझे लगता है दो विलेजर भी मर गया। ओ भाई साहब, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे हुआ। सो गाइस मैंने विलेज में दोबारा आया और एक और विलेज को, मतलब विलेजर को पकड़ा। मुझे लगा था ये विलेजर मतलब काम नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये विलेजर भी फाइनली ऊपर तक आ गया। इस बार मैंने कोई भी गलती तो नहीं की, लेकिन अभी अभी मारते मारते बचा और विलेजर भी। अगर लीफ ब्लॉक टूट जाता तो मैं भी गिरता, और थोड़ा बहुत टाइमिंग गलत होता तो विलेजर भी मर सकता था। लेकिन शायद मेरा किस्मत अच्छा है कि विलेजर और मैं दोनों ही सेव हो गया हूँ। अब मैं विलेजर को पूरी लीफ ब्लॉक से कवर कर देता हूँ और मैं बनाता हूँ अब, मतलब इस फार्म को पूरी मतलब कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तुम लोग टाइमलेस को इन्जॉय करो। सो गाइस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में, मतलब इस फार्म को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इस फार्म को बनाने लगे मेरे को ऑफलाइन में 4 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि विलेजर को लाने में और वो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मैंने एक रेट स्टार्ट करके दिखा तो तब जाकर मुझे पता चला कि ये फार्म सच में वर्क करता है। और मैं पूरे आपके सामने पूरा एक रेट ख़त्म करके दिखाता हूँ कि कितना मुझे एम्बल मिलता है। लगभग एक स्टैक एम्बल तो हर एक रेट पे मिलता है, तो अगर ऐसे हर एक रेट में एक स्टैक एम्बल मिलेगा तो तुम लोगों को पता ही है कि एम्ब्रल बिकम बना सकते कुछ 2-3 घंटे के एफ के से।